नमस्कार। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो तस्वीर है उत्तर प्रदेश की वो लगभग साफ हो चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में छठे चरण ने लगभग तय कर दिया है उत्तर प्रदेश में कौन बनने जा रहा है मुख्यमंत्री। 349 सीटों पर किसे कितनी सीट एग्जिट पोल के हिसाब से आखिर उत्तर प्रदेश में किसकी जीत और किसकी हार होने वाली है, ये इसको लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण यहां पर हो चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में छह चरणों की वोटिंग के बाद लगभग हर एक पार्टी ने अपने जीत का दावा कर दिया है, लेकिन किसके दावे में कितना दम दिखता है ये तो आपको आंकड़े ही दिखाएंगे, क्योंकि आंकड़ों पर ही यहां पर तय होगा उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि उत्तर प्रदेश को लेकर अपने अपने दावे आ रहे हैं। और छठे चरण में सबसे बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में थे, जिनमें सबसे बड़ा नाम योगी आदित्यनाथ जी का था, जो कि मुख्यमंत्री के तौर पर और यहां पर बीजेपी को लीड कर रहे हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो गोरखपुर शहर को लेकर जनता ने अपना मत ईवीएम में कैद कर दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर छठे चरण के बाद ये तस्वीर जो साफ हो चुकी है, लेकिन 2017 में बीजेपी ने बहुमत के काफी आगे निकल गई थी। इन छह चरणों में से बीजेपी ने 284 सीटों पर जीत हासिल की थी, बहुमत से काफी आगे निकल गई थी बीजेपी। और अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी को 37 सीटों पर जीत मिली थी छह चरणों के बाद 349 सीटों में से जो आंकड़े रहे हैं, जबकि वीएससी को 13 सीटें, कांग्रेस को केवल 7 सीटों पर ही जीत मिली थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए 2022 की तस्वीर क्या कहती है, आखिर किसके पक्ष में आंकड़े देखने को मिलने वाले हैं, इसको लेकर आपको जो आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं हर एक चरण के आंकड़े आपको दिखाएंगे, छह चरणों के महत्वपूर्ण विश्लेषण आपको देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में किसकी हो सकती है जीत और किसके लिए यहां पर जीत के आंकड़े मिल सकते हैं, इसको लेकर उत्तर प्रदेश के लिए सभी आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर 349 सीटों के महत्वपूर्ण आंकड़े आपको देने वाले, क्योंकि उत्तर प्रदेश को लेकर पहले फेज में अगर बात की जाए तो यहां पर 58 सीटों पर जो है 64% मतदान 2017 में, लेकिन 2022 में 60% ही मतदान देखने को मिला था। अगर बात की जाए पहले फेज में तो बीजेपी को यहां पर 2017 में 53 विधानसभा सीटों पर जीत मिली, जबकि समाजवादी पार्टी को केवल 3 सीटें, बीएसपी को 2 सीटें, कांग्रेस का यहां पर खाता नहीं खुला था पहले फेज को लेकर जो 58 सीटों पर वोटिंग हुई थी। लेकिन 2022 को लेकर जो अनुमान है उस हिसाब से यहां पर 2022 में बीजेपी को 34 से 38 सीटें जा सकती है पहले फेज को लेकर जो महत्वपूर्ण विश्लेषण रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी भी 18 से 22 सीटों पर आ सकती है, बीएसपी को 1 से 3 सीटें यहां पर पहले फेज को लेकर जो अनुमान है, कांग्रेस का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है जो 2022 को लेकर आंकड़े रहे हैं। इसके अलावा दूसरे फेज पर बंपर वोटिंग देखने को मिली, 64% मतदान दूसरे फेज में देखने को मिला था, और यहां पर बात की जाए तो 9 जिले और 55 सीटों पर दूसरे फेज में जो है वोटिंग हुई थी, और 9 जिले ऐसे जिले रहे थे जहां पर मुस्लिम मतदाता यहां पर काफी अच्छी यहां पर वोटिंग रही थी, और इसका फायदा किसे मिलने वाला है इसको लेकर क्या कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े रहे। तो 2017 में अगर बात की जाए तो दूसरे फेज को लेकर 55 सीटों में से बीजेपी ने 38 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने 15 सीटें, बीएसपी का खाता नहीं, लेकिन कांग्रेस को 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिली 2017 में। लेकिन 2022 के आंकड़े क्या बनते नजर आ रहे हैं, जो अनुमान रहा है जिस हिसाब से बीजेपी को 26 से 30 सीटें, समाजवादी पार्टी 22 से 26 सीटें, कांग्रेस को यहां पर 0 से 2 सीटें, लेकिन बीएसपी को 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान रहा है। यानी दूसरे फेज की अगर बात की जाए तो मुस्लिम बहुल इलाकों पर जो वोटिंग हुई थी उसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है, और बीजेपी से करीब यहां पर जो अनुमान है कि 5% का इजाफा या 5 सीटें प्लस माइनस हो सकती है, बीजेपी की 5 सीटें कम हो सकती है जो समाजवादी पार्टी में जा सकती है, यानी यहां पर समाजवादी पार्टी को बढ़त भी मिल सकती है, समाजवादी पार्टी आगे भी निकल सकती है, जो अनुमान यहां पर रह सकता है दूसरे फेज को लेकर जो अनुमान लगाया गया है। जबकि अगर बात की जाए तीसरे चरण के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा था, जहां अखिलेश यादव भी चुनावी मैदान में थे, तो उनके जीत का क्या यहां पर गणित हो सकता है, यहां पर 57% मतदान हुआ था, कम मतदान हुआ था, लेकिन कहा अवध पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड बीजेपी का एक मजबूत वोट बैंक रहा था 2017 में, बुंदेलखंड की सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जबकि अवध और पश्चिमी यूपी किसानों के लिए महत्वपूर्ण रहा था, किसान आंदोलन का भी यहां पर असर देखने को मिला था। तो यहां की 59 सीटों का चुनावी गणित क्या रहा था 2017 में, बीजेपी ने इन 59 सीटों में से 49 सीटें, लेकिन 2022 में जिस प्रकार का माहौल देखने को मिला था, जाट वोट बैंक हो या पर किसान आंदोलन का भी असर देखने को मिला था चुनाव 2022 में, जबकि समाजवादी पार्टी को 8 सीटें, कांग्रेस को 1 और बीएसपी के पक्ष में 1 विधानसभा सीटों पर ही जीत मिली। लेकिन 2022 के आंकड़े क्या कहते हैं, अखिलेश यादव यहाँ पर जो चुनावी मैदान में थे उनके लिए क्या आंकड़े रहे हैं, इसके अलावा अगर बात की जाए बीजेपी को 28 से 30 सीटें जा सकती हैं, प्लस माइनस 5 सीटें हो सकती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को तीसरे फेज के लिए 59 सीटों में से 22 से 26 सीट जा सकती हैं।
यहाँ पर भी बड़ा उलटफेर हो सकता है, 5 सीटें प्लस है यहाँ पर माइनस हो सकती हैं, यानी यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो अखिलेश यादव यहाँ पर चुनावी मैदान में थे, इसके अलावा यादव वोट बैंक अगर वापस उनकी तरफ आता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी से ज्यादा सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी को मिल सकती है। तीसरे फेज को लेकर जो अनुमान रहा है, बीएसपी 0 से 1 सीट आ सकती है, कांग्रेस को 0 से 1 सीट, अन्य की बात की जाए तो 0 से 1 सीट अन्य के पक्ष में भी जाने का अनुमान यहाँ पर तीसरे फेज को लेकर लगाया गया है। लेकिन चौथे फेज के बाद ये अनुमान लगाया जा रहा था कि आखिर किससे बहुमत का आंकड़ा मिलने वाला है, अपने अपने दावे सामने आने लगे थे कि चौथे फेज के बाद जीत का चौका लगाने वाली है अब बीजेपी लगाने वाली है यहाँ पर समाजवादी पार्टी, लेकिन किसके पाले में कितनी सीटें यहाँ पर बात की जाए तो 59 सीटों के लिए 58% वोटिंग हुई थी, यानी कम वोटिंग यहाँ पर बात की जाए तो क्या कुछ आंकड़ा 2022 को लेकर बन सकता है चौथे फेज को लेकर। लेकिन 2017 में यहाँ पर बीजेपी ने 59 सीटों में से 51 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 4 सीटें, बीएसपी को 2 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी 2017 को लेकर। लेकिन 2022 के आंकड़े क्या बनते नजर आ रहे हैं, बीजेपी को 34 से 35 सीटें चौथे फेज की 59 सीटों में से, जबकि समाजवादी पार्टी 18 से 20 सीटों के आसपास आ सकती है, बीएसपी 1 से 3 सीटें, कांग्रेस 1 से 2 सीटें, अन्य की बात की जाए तो खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है अन्य का, यानी काफी महत्वपूर्ण रहा है चौथा फेज, और चौथे फेज के बाद ये लगभग साफ होने लगा था कि आखिर किसके पाले में यहाँ पर जीत मिलने सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में पांचवा चरण काफी महत्वपूर्ण रहा था कि सबसे ज्यादा 61 विधानसभा सीटों पर पांचवें फेज में वोटिंग हुई है, और ऐसे में 2017 पर गौर किया जाए 53% वोटिंग 2022 में हुई है, लेकिन 2017 के क्या नतीजे रहे थे, बीजेपी को यहाँ पर 61 सीटों में से 47 सीटें, अपना दल को 3 सीटें, एसपी को यहाँ पर 5 सीटें, कांग्रेस को 1, बीएसपी 3, जबकि निर्दलीय को 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिली पांचवें चरण की 61 विधानसभा सीटों को लेकर, जो यहाँ पर 2017 के आंकड़े रहे हैं। लेकिन बात की जाए 2022 में 53% ही यहाँ पर वोटिंग हुई है, और इस हिसाब से पांचवें फेज में 61 सीटों में से बीजेपी को 33 से 37 सीटें जा सकती है, समाजवादी पार्टी को 16 से 18 सीटें, जबकि बीएसपी 1 से 3 सीटों पर आ सकती है, कांग्रेस 1 से 3 और अन्य की बात की जाए तो 0 से 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान यहां पर एग्जिट पोल के हिसाब से लगाया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए छठा चरण तय करेगा उत्तर प्रदेश में किसे मिलने वाला है बहुमत का आंकड़ा, जिसके आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ पर 5 बजे के हिसाब से 53% वोटिंग हुई है, ने कम वोटिंग, ये विश्लेषण करता हूं या एक्सपर्ट हूं उनका मानना रहा है कि जब भी यहाँ पर चुनाव में कम वोटिंग देखने को मिलती है तो इसका फायदा सत्ता पक्ष को होता है, बंपर वोटिंग का फायदा कहीं ना कहीं जो है सत्ता की वापसी के लिए ये संकेत दिखाई देते हैं। लेकिन जो कम मतदान हुआ है छठे फेज को लेकर उसके क्या आंकड़े बन सकते हैं, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े हैं कि 2017 में जहां बीजेपी ने यहां पर 46 सीटें हासिल की थी, 59 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 2 सीटें, बीएसपी 5, जबकि कांग्रेस को 1 और अन्य की बात की जाए तो 0 से 3 सीटें अन्य के पक्ष में छठे फेज में देखने को मिली। लेकिन 2022 के आंकड़े क्या बनते नजर आ रहे हैं छठे फेज को लेकर, बीजेपी को 35 से 36 सीटें, बीएसपी 19 से 20 सीटें, बीएसपी 2 से 3 सीटें, कांग्रेस का खाता नहीं, अन्य की बात की जाए 0 से करीब 1 सीट जा सकती है, जो छठे फेज को लेकर अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। यानी उत्तर प्रदेश के लिए 6 चरणों की वोटिंग हो चुकी है, 6 चरणों की अगर बात की जाए 349 सीटों की जो तस्वीर है वो साफ है, और 2017 में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया था, समाजवादी पार्टी काफी पीछे रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता का एक नया ट्रेंड रहा है, उत्तर प्रदेश के लिए हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन रहती रही है, कभी बीजेपी 2012 में ये आंकड़ा था कहीं, और अब 17 में जो समाजवादी पार्टी काफी पीछे देखने को मिली, तो क्या 2022 को लेकर क्या कुछ आंकड़े बन सकते हैं, इसके आंकड़े आपके सामने। 349 सीटों की जो तस्वीर है वो लगभग साफ है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी 180 से 205 सीटों पर आ सकती है, कि समाजवादी पार्टी 130 से 140 सीटों पर आ सकती है, बीएसपी को 6 से 10 सीटें, कांग्रेस को 4 से 7 सीटें मिलने का अनुमान उत्तर प्रदेश को लेकर, 349 सीटों को लेकर जो अनुमान यहाँ पर सामने आया है, यानी उत्तर प्रदेश को लेकर एक्सपर्ट के हिसाब से बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर सकती है, पांचवे और छठे फेज के बाद जो अब तस्वीर है वो लगभग साफ हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में यहाँ पर बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर सकती है छठे फेज को लेकर जो अनुमान यहाँ पर रहा है। सरकार से जनता ने अपना फैसला दिया है वो तो 10 मार्च को ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ये चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान आपको दिखाए हैं, आखिर उत्तर प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये काफी महत्वपूर्ण हो चुका है। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लिए
अभी भी एक चरण बाकी है। ऐसे में क्या यहाँ पर जनता का मत होगा, जनता किसके साथ जाती है, ये काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। और 10 मार्च को ही लगभग तय होगा उत्तर प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखनी है, क्या अखिलेश यादव की वापसी या फिर बरकरार रहेगी बीजेपी, इस पर अपनी राय रख सकते हैं। तो दोस्तों और सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।